दत्तक बच्चों के मानसिक प्रॉब्लम्स या उनकी मानसिक समस्या, उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। दत्तक लेने के काफ़ी कारण हो सकते हैं। एक तो कारण यह है कि पेरेंट्स को बच्चे ही नहीं है, इसलिए लोग दत्तक लेते हैं। कुछ लोगों को लड़का नहीं है, लड़कियाँ आए करके वो लड़का दत्तक लेते हैं, या कुछ लोगों को लड़की नहीं है, लड़का है करके दत्तक लेते हैं। अभी दत्तक लेने के बाद में होता क्या है कि उनको तो मतलब बड़ी खुशी से दत्तक लेते हैं, संपत्ति भी काफ़ी घर में अच्छी है, मतलब एफोर्डेबल है और खर्चे करने को तैयार है। अच्छा, बच्चा दत्तक लिया हुआ है, किसको बोला नहीं रहता है, चुपचाप है, मतलब मालूम नहीं रहता किसको कि लिया हुआ है दत्तक, कहीं से भी लाते हैं और वो इनका ही बच्चा है करके उसको परवरिश की जाती है उसकी। तो फिर वो हिसाब से फिर लोगों को नहीं मालूम होना चाहिए करके बहुत लाड़ प्यार में बच्चे की परवरिश होती रहती, जो चाहे वो दे दिया, जो डिमांड है वो दे दिया, और उसमें बच्चा बिगड़ते जाता है। अभी अभी एक 13 साल की लड़की मेरे पास में आई, उसको प्रॉब्लम था, एक तो स्कूल रिफ्यूज़ल, स्कूल में जाने का नहीं, कोई भी हालत में स्कूल जाने को तैयारी नहीं, घर पे बैठेंगी। दूसरा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, लिखने के समय कुछ कुछ शब्द वो गला देती है, डिलीट कर देंगी कुछ अल्फ़ाबेट्स, पढ़ने के समय बराबर पढ़ेंगे नहीं वो, बाकी होशियार है, लर्निंग डिसेबिलिटी छोड़ के बाकी बहुत होशियार है वो। मोबाइल में उसको कुछ भी खेलने के लिए बोलो और कुछ भी गेम बोलो या मोबाइल का सब पूछो तो सब बता देंगी, और मोबाइल के ऊपर घंटों रहेगी। मोबाइल का एडिक्शन हुआ है, डिमांडिंग तो इतनी है कि उसको जो चाहे वो दिया नहीं तो एकदम टेम्पर टैंटम्स फेंक फाक करेंगी। और नंबर एक और नंबर दो के दुश्मन उसके कौन है, तो माँ बाप। नंबर एक के दुश्मन माँ, नंबर दो का बाप, पिताजी उसके दुश्मन। घर के बाहर अच्छी रहेंगी, बच्चों के साथ में वगैरह ठीक रहेंगे, मगर यहाँ तो बहुत डिमांडिंग रहेगी। तो ये पिक्चर असर मैंने काफ़ी जगह पे दिखता है। ये तो एक प्रोटोटाइप हो गया, एक पिक्चर बताया मैंने, ये कि एक केस बताई। ये पिक्चर काफ़ी जगह होता है क्योंकि वो बच्चों की परवरिश ऐसी की जाती है, क्योंकि वो बहुत लाड़ प्यार में पले पोसे, अडॉप्ट किया हुआ है तो फिर अच्छा ही बगाना है। और उसमें फिर यदि खुदा ना खास्ता बच्चों को ये मालूम हो गया कि वो अडॉप्टेड है, फिर तो उनको जो धक्का बैठ जाता है, बाद में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो तो पूछो ही मत। बाद में उनका इतने प्रॉब्लम आते हैं कि जब उनको मालूम पड़ता है कि मेरे अडॉप्ट किया गया है मुझे यहाँ, तो फिर वो बहुत कुछ टेम्पर टैंटम फेंकेंगे, फिर बहुत रिजेक्शन आएंगे उनमें, फिर माँ बाप को कोसेंगे वो, और फिर और ही ज़्यादा डिमांडिंग बनेंगे, और नहीं तो फिर डिप्रेशन में जाएंगे या प्योर फुल साइकेट्रिक सिम्टम्स, साइकोटिक सिम्टम्स में दिखेंगे, क्योंकि वो धक्का बैठ जाता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ, मैं घर का ही नहीं हूँ, मुझे बाहर से लाया गया, मेरे पिताजी मालूम नहीं, माँ बाप को इन्हें मालूम ही नहीं है, अनाथाश्रम से लाया हुआ है, वहाँ से तो पता ही नहीं उसको, और फिर तकलीफ शुरू हो जाती है। तो ऐसे इसमें करना क्या, बड़ी मुश्किल है। एक तो ऐसा है कि बच्चों को बड़ा होने के बाद में मालूम तो होता ही है कि वो अडॉप्टेड है। तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत विचार है कि जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है, समझने में आता है उसको 4-5 साल का, तभी उसको धीरे 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 बताना अपन ने चालू करना चाहिए। और दूसरा है कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया कि बच्चा और बिगड़ जाता है, तो स्पेशल ट्रीटमेंट दे अडॉप्टेड है करके, तो फिर तो बच्चा बिगड़ने उसके परवरिश करते करते। तो एक वो है, अभी जो बच्ची मेरे पास में लाई, उसको हमने पूछा, बताया कि भाई अभी आपने जो किया वो ठीक है, अभी इसके डिसिप्लिन का क्या है। तो पहले आपने तरफ से, मतलब माँ बाप ने देखना चाहिए कि भाई अपन ने डिसिप्लिन आना जरूरी है, खुद माँ बाप भी डिसिप्लिन में नहीं है, माँ बाप भी जो चाहे उसको वो सब सप्लाई कर रहे हैं, और फिर वो उसको नहीं मिला कि एकदम अग्रेसिव हो जाएंगी, फेंक फाक करेंगी। तो पहले अभी आपको डिसिप्लिन आनी पड़ेगी, अनुशासन घर में लाना पड़ेगा। इसलिए मैंने माँ बाप को पहले काउंसिलिंग किया, उनको बताया कि कुछ भी हो जाए उसको नहीं मतलब नहीं, चीज़ मिलेंगी, ज़रूरत होंगी तो वो चीज़ उसको मिलेंगी, ज़रूरत नहीं है तो वो चीज़ मिलेंगी नहीं। अभी 1 महीना आप ट्राई करो इस तरह का, तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो उसको टॉलरेट करते आना चाहिए। अभी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस ही बहुत लो हो जाता है बच्चों का, जब उनको उनके परवरिश इस तरह से होती है ना, मतलब बस मांगा कि देना है, मांगा कि देना है, ऐसा उनका हो जाता है। तो उनको मैंने बोला कि अभी 1 महीना आपको ऐसा करना पड़ेगा, मांगा कि देना ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं बोलना, हमको लगता है कि जरूर है, पक्का देंगे। तो ऐसा उनको काफ़ी डिसिप्लिन के बारे में बताया, फिर उसकी परवरिश कैसे किया उसके बारे में कुछ चीज़ें बताई, है ना, पेरेंटिंग के बारे में उनको बताया, 2-3 बार उनको बुलाया। धीरे 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 उनमें परिवर्तन खुद में आना चालू हो गया, और बच्चे में भी परिवर्तन धीरे धीरे आना चालू हो गया। अब बच्चा बोलता ठीक है, जो है वो है, उसको धीरे बताया उन्होंने कि भाई तू
कि तू अडॉप्टेड है और वो हिसाब से जो है वो है, ऐसा उसको सब बता दिया है। और उसके बाद में वो धीरे 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 उसमें से जो डिमांडिंग नेचर, टेम्पर टेंट्रम फेंकना, धूमधाम करना, तो उसको जैसा डिसिप्लिन लगाया तो धीरे 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 काबू में आने चालू हो गए। थोड़े मेडिसिन भी उसको दिए जिससे वो अग्रेशन उसका कम हो गया और एक 4-5 महीने 6 महीने में एकदम बच्चे अच्छे नॉर्मल हो गए। अभी ये जो है ये सभी अडॉप्ट जिन्होंने किया है वो पेरेंट्स ने देखना चाहिए कि बच्चों को अलग तरह से ट्रीट मत करो, उनको ज़्यादा लाड़ प्यार में मत परवरिश करो उनकी, और नॉर्मल जैसा रहने का है। और थोड़ा समझ में आ गया, समझ उनको आ गई तो उनको बता देने का है कि तुम अडॉप्टेड है, क्योंकि नहीं तो उनको बाहर से मालूम पड़ता है फिर उनको बहुत धक्का बैठ जाता है। तो ये करना बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।